नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग मई 2018 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आपके सामने आएगा। इस पार्ट में हम 1 से लेकर 15 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और बाकी यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई तक का जो करंट अफेयर्स होगा उसे हम पार्ट 2 में आपको देंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, दादा साहब फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार 2018 में किसे बेस्ट एक्टर व एक्ट्रेस का सम्मान मिला है? जवाब होगा यहाँ पे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को। बता दें कि बेस्ट एक्टर लीडिंग में अक्षय कुमार को और बेस्ट एक्ट्रेस में भूमि पेडनेकर को सम्मानित किया गया। मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था मनीषा कोइराला को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है भूमि त्रिवेदी को। याद रहे कि मेरठ के जाने माने फोटोग्राफर ज्ञान दीक्षित को भी दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है। अवार्ड का आयोजन मुंबई में 29 अप्रैल 2018 की रात को किया गया था। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला ने आइसलैंड के रेकजाविक में टूर्नोई विश्वकप सैटेलाइट तलवारबाजी, याद रखिएगा नाम इसका, टूर्नोई विश्वकप सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप में साबरे स्पर्धा में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? जवाब होगा यहाँ पे भवानी सिंह। भवानी सिंह तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इनका पूरा नाम है सी ए भवानी सिंह और फाइनल में इनका मुकाबला हुआ था अमेरिका की एलेक्सिस ब्राउनी से, यानी कि एलेक्सिस ब्राउनी से हार गई थी और एलेक्सिस ब्राउनी को मिला था गोल्ड और भवानी सिंह को मिला था सिल्वर। ठीक है, बेलग्रेड इंटरनेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है तो यहाँ पर जवाब होगा सुमित सांगवान। 56वां बेलग्रेड इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? जवाब होगा सर्बिया में। सुमित सांगवान ने 91 किलोग्राम और निखात जरीन ने 51 किलोग्राम वर्ग में दोनों ने ही स्वर्ण पदक हासिल किया था। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा खिताब जीता है? तो यह याद रखिएगा कि ला लीगा जो खिताब होता है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और बार्सिलोना एफसी ने यह पुरस्कार जीता है। इस मैच में लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं की हैट्रिक के दम पर बार्सिलोना एफसी ने डेपोर्टिवो ला कोरोना को हराया और 25वां ला लीगा खिताब जीत लिया। कौन सा देश हवाई यात्री यातायात के लिए सबसे तेजी से उभरने वाला दूसरा देश बन गया है? जवाब होगा आपका भारत। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा वर्ष 2017 से लेके वर्ष 2040 तक के बीच की अवधि के लिए पूर्वानुमान पर आधारित यह आंकड़ा है जिसमें भारत को मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 1 मई को। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और 1 मई 1886 ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। किस कंपनी के निदेशक मंडल ने पहली महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है? जवाब होगा सऊदी अरामको। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इस महिला को जिनको जो है पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है सऊदी अरामको कंपनी का नाम है उनका लिन एलन हास। याद रहे कि वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक यूएस तेल रिफाइनर सनेको इंक के पूर्व अध्यक्ष और CEO के तौर पर ये कार्य कर चुकी हैं। 2018 में फोर्स पत्रिका द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भी इन्हें स्थान मिला था। गोवर्धन योजना हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई? जवाब आपका होगा करनाल। यह योजना 30 अप्रैल 2018 को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI ने संपूर्ण देश में एक साथ गोवर्धन योजना की शुरुआत की है। गोवर्धन में यहाँ पे धन जो है स्टैंड करता है धन के लिए ही यानी कि मनी के सापेक्ष, और अगर हम गोबर के बारे में बात करें तो गोबर का यहाँ पर अलग अलग फुल फॉर्म होता है। G इज स्टैंड फॉर गर्वनाइजिंग एंड O इज फॉर ऑर्गेनिक, B इज फॉर बायो, A इज फॉर एग्रो एंड R इज फॉर रिसोर्सेज। गर्वनाइजिंग, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्सेज, धन। इसकी घोषणा हुई थी 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जिन्होंने वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत किया था। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ? जवाब होगा आपका जोहान्सबर्ग। इसमें भारतीय समूह का नेतृत्व किया था वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने और यह सम्मेलन 29 और 30 अप्रैल 2018 को सनेटन कन्वेंशन सेंटर जोहान्सबर्ग में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री को चैपलिन पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था? जवाब होगा आपका हेलेन मिरेन। अब ये जो पुरस्कार होता है चैपलिन पुरस्कार, ये कौन प्रदान करता है? तो इसे प्रदान करता है फिल्म सोसाइटी ऑफ लिंकन जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। 30 अप्रैल 2018 को यह पुरस्कार दिया गया था। हेलेन मिरेन कौन है? हेलेन मिरेन जो है हॉलीवुड की वयोवृद्ध अभिनेत्री हैं।
किस राज्य में अभ्यास विजय प्रहार ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था का आयोजन किया गया? जवाब आपका होगा राजस्थान। याद रहे कि राजस्थान के जयपुर जो कि पश्चिमी राजस्थान है बीकानेर जिले में महाजन फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में सूरतगढ़ के पास 1 मई से लेकर 9 मई 2018 के बीच में। दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा हो रहे युद्धाभ्यास में 20,000 से ज़्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे थे। इस युद्धाभ्यास के जरिए सैनिक संभावित परमाणु हमले से निपटने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें पीसी चंद्र पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो जवाब आपका होगा आशा भोसले। भारतीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इस कार्यक्रम में शर्मिला टैगोर जो कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं वयोवृद्ध वो मुख्य अतिथि थी। आशा भोसले ने 1943 में अपने गायन की शुरुआत की थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की संगीत शैलियों में गाया है। उनका करियर लगभग 7 दशक यानी कि 70 वर्ष लंबा है। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जवाब आपका होगा वाराणसी में होगा और इस बार की थीम होगी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसे विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा और अतिथियों को कुंभ स्नान और गणतंत्र परेड में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसका आयोजन जनवरी 2019 में प्रस्तावित है। WHO के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। इस सूची में सबसे बदहाल शहर यानी कि भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो जवाब आपका होगा कानपुर। हालांकि इस लिस्ट में फरीदाबाद गया आगरा पटना मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है जो पटियाला जयपुर गुड़गांव और जोधपुर व श्रीनगर भी शामिल हैं जिसमें कानपुर सबसे गंदा माना गया है इसलिए इसको आप याद रखेंगे। भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रे के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार फिर से शुरू हो गया है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जवाब आपका होगा सिक्किम में। बता दें कि 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला सीमा के माध्यम से भारत और चीन के बीच व्यापार बंद होने के 44 साल बाद 2006 में फिर से शुरू किया गया था। समझौते के अनुसार दोनों देश 36 निर्यात वस्तुओं के रूप में और 20 आयात वस्तुओं के रूप में वस्तुओं की सूची पर सहमत हुए हैं। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि नाथुला दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो यह भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? जवाब होगा 3 मई को। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के सुझाव के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो रखा गया था कि कीपिंग पावर इन चेक मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ जो प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक सक्षम कानूनी वातावरण के महत्व को दर्शाता है। विश्व के शीर्ष 5 रक्षा पर खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? जवाब होगा आपका 5वां स्थान। याद रहे कि पहले 5वें स्थान पर फ्रांस था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट दी है। 2017 में भारत ने सेना पर 63.9 बिलियन खर्च किए जो कि 2016 की तुलना में 5.5% ज़्यादा रहा। शीर्ष देशों की अगर बात करें यहाँ पे तो अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, सऊदी अरब जो है यह तीसरे स्थान पर है, रूस चौथे स्थान पर है, 5वें स्थान पर पहले फ्रांस था और अब अपना प्यारा भारत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कृषि योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी कि 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति मिली है? जवाब आपका होगा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। इसमें कुल केंद्रीय हिस्सा 33,269.976 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया है। सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो चंद्रपुर रेलवे स्टेशन और बल्लारसा रेलवे स्टेशन दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर मधुबनी बिहार को यह दर्जा दिया गया है। याद रहे कि ISDC ने यह सर्वे करवाया था ऑनलाइन। मिशन गो टू विलेज कहां पर शुरू किया गया है? जवाब होगा मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह ने 2 मई 2018 को यह मिशन इम्फाल में लॉन्च किया है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी कैपिटल है। यह मिशन राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों के 60 गांवों में एक साथ शुरू करने का सरकार का लक्ष्य है।
व योग्य व पात्रों को घर घर जाकर सेवाएं मुहैया कराएगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी नवीनतम बैडमिंटन रैंकिंग में भारत के किस पुरुष खिलाड़ी को तीसरा स्थान मिला है? जवाब होगा यहाँ पे किदंबी श्रीकांत। भारत की सायना नेहवाल नवीनतम बैडमिंटन रैंकिंग में फिर से टॉप 10 में आ गई हैं और किदंबी दो स्थान ऊपर उठे हैं। सायना 10वें स्थान पे हैं दो स्थान की उछाल के साथ, यानी कि पहले जो सायना का स्थान था वो 12वां था और अब वो 10वें स्थान पे आ गई हैं टॉप 10 में। किस देश ने अपना टाइम जोन बदलकर दक्षिण कोरिया के अनुरूप कर लिया है? जवाब होगा उत्तर कोरिया। किम जोंग उन जो कि उत्तर कोरिया के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने इस समय काफ़ी अच्छा संकेत दिया है कि वो अपनी तानाशाही छोड़ रहे हैं और उन्होंने दक्षिण कोरिया से अपने सौहार्दता को बढ़ाने के लिए यह कदम उन्होंने उठाया है। और इसके अलावा आज की तारीख यानी कि अगर हम 5 जून के बारे में बात करें 2018 के संदर्भ में, तो किम जोंग उन काफ़ी सुधार पे दिखाई दे रहे हैं। किस श्रेणी का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष वितरित नहीं होगा? जवाब आपका होगा साहित्य। कारण क्या है? स्वीडिश अकादमी के अनुसार यह पुरस्कार अब 2019 में दिया जाएगा। यौन उत्पीड़न के आरोपों और अन्य मुद्दों के कारण संगठन की गिरती साख के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। सार्क मंत्रियों की बैठक, सार्क मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक कहां पर आयोजित हुई? जवाब आपका होगा मनीला में। एशियाई विकास बैंक ADB की 91वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो सार्क के जो वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक थी ये मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है तो मनीला में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? जवाब आपका होगा मंगल। याद रहे कि जो इनसाइट है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जोटसे एंड हीट ट्रांसपोर्ट। इस रोबोटिक लैंडर को एटलास 5 रॉकेट से कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग एयरफोर्स से लॉन्च किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल के आंतरिक संरचना को पता करना है। 5 मई 2018 को लॉन्च, 26 नवंबर 2018 को यह मंगल की धरती को छुएगा, यानी कि काफ़ी वक्त लगेगा इसे मंगल तक पहुँचने में। अभी जिस समय मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, इनसाइट अभी अपनी यात्रा पे ही होगा, ठीक है, ये 26 नवंबर को पहुंचेगा मंगल की धरती पे। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जवाब है श्रीलंका। भारत के अर्शदीप सिंह ने जूनियर पुरुषों के भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता है और चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 11 स्वर्ण, 10 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। हाल ही में लॉन्च किया गया चीनी उपग्रह APS-TAR APSTAR-6C के नाम से भी इसे पुकारते हैं। पूछा जा रहा है कि यह कैसा उपग्रह है, तो आपको बता दें कि यह एक दूर संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण 3 मई 2018 को किया गया दक्षिण पश्चिमी सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का नाम है, इसके जरिए कक्षा में भेजा गया था। दोनों उपग्रह और रॉकेट चाइना एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी? तो ये वृद्धि दर होगी 7% की। ADB ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत की वृद्धि दर 8% होनी चाहिए थी। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। एयर ट्रेवल्स इंटेलिजेंस के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई मार्ग कौन सा है? जवाब आपका होगा सिंगापुर से लेकर कुआलालंपुर। हालांकि अगर बात करें यहाँ पे तो दूसरा स्थान हांगकांग और ताइपेई शहर ताइवान का है। किस राज्य में गूगल 2500 वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करेगा? जवाब है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। गूगल इंडिया ने आंध्र प्रदेश की कंपनी फाइबरनेट लिमिटेड के साथ एक करार किया है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में वाईफाई की व्यवस्था की साझेदारी की है। दिसंबर 2018 तक यह टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य में हाल ही में पुलिस भर्ती में किन्नरों को भी, यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी भर्ती का फैसला किया गया है? और जवाब यहाँ पे होगा आपका छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय बाल मन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता या फिर हैदराबाद? जवाब होगा आपका कोलकाता में। मेजबान देश रहेगा भारत। आयोजन होगा जून में यानी कि इसी महीने में। इसमें 8 देश हिस्सा लेंगे।
फ्रांस, स्लोवेनिया, स्वाजीलैंड, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। मैरिट बोरगेन सबसे सफल शीतकालीन ओलंपियन हैं, ये किस देश की निवासी हैं? जवाब आपका होगा नॉर्वे। नॉर्वे की क्रॉस कंट्री स्कीयर मैरिट बोरगेन को 21 फरवरी 2018 को कांस्य पदक अपने नाम करने के साथ ही शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। विश्व हास्य दिवस की शुरुआत किस वर्ष में हुई? जवाब होगा, देखिए प्रतिवर्ष मई महीने के पहले रविवार को यह मनाया जाता है और वर्ष 2018 को वर्ल्ड लाफ्टर डे 6 मई को मनाया गया था। विश्व हास्य दिवस को वर्ष 1998 में दुनिया भर में हंसी योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने शुरू किया था। तो 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? तो नाम है उनका डॉक्टर मदन कटारिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखेंगे आप। लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रां प्री प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो बता दें कि भारत ने इसमें 2 पदक जीते हैं। इसका आयोजन स्थल था चेक गणराज्य का पिल्सेन। भारत के निशानेबाज गगन नारंग और पूजा घाटकर ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। श्री निवेदा परमानंथम और अमनप्रीत सिंह ने 775 अंकों के साथ मिक्स्ड एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है, 17 वर्षीय छात्र विलेट ओबिया द्वारा वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को मापने के लिए विकसित किए गए एक उपग्रह जिसको नाम दिया गया है अनीता सेट। अनीता सेट को किस देश में लॉन्च किया गया है? जवाब आपका होगा यहाँ पे मैक्सिको। आरएसएस के उच्च माध्यमिक विद्यालय तिरुची की छात्रा हैं। विलेट ओबिया द्वारा बनाए गए इस हल्के उपग्रह को अनीता सेट नाम दिया गया है और इसको अजत्रा लैब्स मैक्सिको सिटी से लॉन्च किया गया है। किस भारतीय योजना के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? जवाब आपका होगा राष्ट्रीय पोषण अभियान। यह धनराशि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बौनापन कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य 2022 तक 38.4% से कम करके 25% करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसको प्राप्त करने में यह सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत को पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव पास किया है? बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। तो जवाब आपका होगा बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश ने OIC के चार्टर को नया रूप देने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में भारत जैसे गैर मुस्लिम देश को इसमें पर्यवेक्षक बनाए जाने का प्रावधान है। OIC क्या है? OIC मुस्लिम बहुल 57 देशों का एक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जद्दा, सऊदी अरबिया में। 25 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। स्मार्ट सिटी के CEO के लिए सबसे पहले सर्वो सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली, भोपाल, पटना या फिर रांची? जवाब होगा आपका भोपाल। एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो जवाब होगा आपका चौथा। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। यह रैंकिंग 25 देशों के आधार पर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है आर्थिक संसाधनों, सैन्य क्षमता, राजनीतिक प्रभाव के आधार पर क्षमताओं का आकलन करना। किस देश ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता की दावेदारी हेतु अपना नाम वापस ले लिया है? जवाब होगा आपका इजराइल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 देश अस्थायी सदस्य के तौर पर होते हैं और इसमें चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड हैं। इसके अलावा 10 देश अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 देश शामिल हैं। इसराइल की राजधानी कहाँ पे है? जान लीजिए, जरूसलम है और इसकी मुद्रा है इसराइली नया शकील। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अभी कुछ दिन पहले भारत यात्रा पर थे, राष्ट्रपति हैं इसराइल के। फोर्ब्स की 2018 की सूची में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों के में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? जवाब आपका होगा चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, नाम है शी जिनपिंग। दूसरे स्थान पर थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और तीसरा स्थान मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर रहे और भारत के मुकेश अंबानी इसमें 32वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स पत्रिका अमेरिकन बिजनेस पत्रिका है जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका में ही है। बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा, छठवां, सातवां या फिर दसवां? सही जवाब आपका होगा यहाँ पे चौथा।
कंपनियों के विश्वास सूचकांक में भारत पहली तिमाही पर 6 पायदान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को लेकर धारणा 4 साल में सबसे कमजोर होने के साथ ही भारत की वैश्विक रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज हुई है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा है? जवाब होगा वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण $16 अरब में किया गया था। अधिग्रहण के शर्तों के अनुसार फ्लिपकार्ट ने केवल 77% का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। वॉलमार्ट की स्थापना हुई थी 1962 में। डग मैकमिलन वॉलमार्ट के संस्थापक थे। विश्व रोबोट सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित होगा? जवाब आपका होगा चाइना में। और ये आयोजन जो होगा वो 15 से 29 अगस्त के बीच में किया जाएगा बीजिंग शहर में। विश्व महिला आर्थिक मंच में WEF 2018 पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? निशा भल्ला, एना बमरिक, अरुंधति भट्टाचार्य या नन ऑफ द एबव। सही जवाब होगा आपका निशा भल्ला। वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए किस देश ने अभी हाल ही में एक नया उपग्रह लॉन्च किया है? जवाब आपका होगा चाइना। वायु प्रदूषण चीन की प्रमुख समस्याओं में से एक है। वायुमंडल के व्यापक अवलोकन करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण चाइना ने किया है। कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो जवाब होगा उत्तरी सांगसी प्रांत स्थित ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। और कौन सा रॉकेट इसे लेके गया? नाम होगा लॉन्ग मार्च 4C। यह लॉन्ग मार्च 4C का 274वां सफल मिशन था, यानी कि इसके पहले वो 273 जो प्रक्षेपण होने वाली चीज़ें हैं उनको उनकी कक्षा में पहुंचा चुका है। सैटेलाइट को नाम दिया गया है गोफेन 5, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2018 की थीम क्या है? तो आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को ही वर्ष 1998 में भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इस वर्ष की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में और प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 12th ऑफ मई ऑफ ईच ईयर। किस एरोस्पेस कंपनी ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन 9 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये एलन मस्क की कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस कंपनी है, नाम है स्पेस एक्स, ठीक है। यह रॉकेट मानव को अंतरिक्ष ले जाने में सक्षम माना जाता है और फाल्कन 9 ने अपने पहले मिशन में बांग्लादेश के पहले उच्च कक्षीय संचार उपग्रह बंगबंधु उपग्रह ए को अंतरिक्ष में पहुंचाना था और पहुंचाया भी है। रेतु बंध योजना यह किस प्रदेश में शुरू हुई है? तो जवाब आपका होगा तेलंगाना। आपको बता दें कि ये जो योजना है तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव लॉन्चेज इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम फॉर द फार्मर्स, उन्होंने किसानों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव टुडे लॉन्च्ड एन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर्स और ये योजना शुरू की गई थी 10 मई को, ठीक है। क्लेम टू बी द फर्स्ट सच इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, उनका दावा है कि यह इस तरीके की पूरे देश में पहली शुरुआत है। अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत रेतु बंधु यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स यानी कि ये माना जाएगा कि किसान मित्र के रूप में ₹8,000 पर एकड़ ये किसानों को प्रदान किया जाएगा। तो ये वाकई एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। 15वां भारत नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था 10 से लेकर 12 मई 2018 के बीच में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने समापन सत्र में विश्व टेलीविजन पुरस्कार 2018 में प्रदान किए थे, तो जिसको भी आप याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और देखिए वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नाम है फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? जवाब आपका होगा 7.3%। हालांकि आगामी सत्र में 7.5% रहने का अनुमान फिच के द्वारा व्यक्त किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन का लक्ष्य 260 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल भेजना है, कितनी राशि इस संस्था ने इसके लिए तय की है? तो जवाब आपका होगा $10 बिलियन। यह दुनिया के सबसे हाशिए पर पाए जाने वाले को लक्षित करता है और उन मुद्दों को संबोधित करता है
जिनके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जैसे कि बाल श्रम, बाल विवाह, लड़के लड़की में भेद करना। मूल रूप में यहाँ लड़के और लड़की में जो भेद किया जाता है उसी की वजह से यह डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया है? तो अभिनेता पवन कल्याण ने इसको फहराया है, याद रखेंगे आप। ये अभिनेता हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने फहराया था। और अगर बात करें तो हैदराबाद में इसको फहराया गया था। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड जनसेना पार्टी फाउंडर पवन कल्याण टुडे अनफर्ड द नेशनल फ्लैग इन हैदराबाद, क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडियन ट्राइकलर टू कमेमोरेट द फर्स्ट वार ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस दैट टुक प्लेस इन 1857। यानी कि 1857 के बाद ये सबसे बड़ा ध्वज है जो कि भारत में फहराया गया है। स्वरामौली पुरस्कार किसे दिया गया है? जवाब आपका होगा लता मंगेशकर को। बता दें कि लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को शनिवार यानी कि 13 मई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गायिका ने कहा कि इस पुरस्कार से नवाजा जाना उनके लिए सम्मान की बात है। आशा भोसले ने कहा कि उनकी बहन बनकर जन्म लेने पर उन्हें भी गर्व है। मुंबई के लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को शनिवार को उनके आवास प्रभुगुंज में आध्यात्मिक गुरु नरसिम्हा भारती द्वारा स्वरमौली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनकी बहन व गायिका आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी मौजूद थे। सफ़ेद साड़ी पहने पानी पानी दे गीत की गायिका ने कहा कि इस पुरस्कार से नवाजा नाना उनके लिए सम्मान की बात है। लता ने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य के मन में इस सम्मान के लिए मेरा नाम आया और उन्होंने खुद आकर मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस किसने जीत ली है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, हैमिल्टन ने जीती है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, वेटल रहे दूसरे स्थान पे। और ये न्यूज़ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मर्सिडीज के ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन ने रविवार को फार्मूला वन रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। हैमिल्टन को फेरारी के जर्मन चालक सेबेस्टियन वेटल से कड़ी टक्कर मिली, वेटल दूसरे स्थान पर रहे। इस साल अब तक हुई 5 रेसों में हैमिल्टन दूसरी बार अव्वल रहे, वेटल भी 2 बार रेस जीत चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखिए बिम्स्टेक 2018 समिट कहाँ पर किया गया? जवाब इसका होगा नेपाल। बिम्स्टेक यानी कि BIMSTEC, जिसका पूरा रूप है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। ये एरिया जो आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं, ये सारे देश बिम्स्टेक के ही देश हैं। इसका जो सचिवालय है वो ढाका में है। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में, आप जानते ही होंगे। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को, अब से लगभग 20 साल या यूँ कह लीजिए 21 साल पहले। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया है? जवाब आपका होगा भारत। 2017 में देश के प्रवासी श्रमिकों ने भारत में $69 बिलियन भेजे हैं। यह रिपोर्ट जो किसने भेजी है? रेमिटेंस मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज एशिया एंड द पैसिफिक ने तैयार की है। और अब ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस देश ने ऐतिहासिक कदम के रूप में पहले स्वदेशी रूप में निर्मित विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? जवाब आपका होगा चाइना। स्वदेशी तकनीक से निर्मित चीन के पहले विमान वाहक पोत ने लियाओनिंग प्रांत में डालियान बंदरगाह से निकलकर समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। यह पोत सोवियत युग के एडमिरल कुजनेत्सो कैटेगरी का पोत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का एंड है। बाकी के सभी प्रश्नों के लिए आप मई माह का दूसरा भाग है वो जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।